अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें। आमिर लोगों से दूर रहे, सबसे ज़्यादा जादू और सफलिंग वही आपके ऊपर कर रहे हैं, तभी आपका कोई अमल कामयाब नहीं हो रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। एक ख़ास अमल अपने प्यारे को पाने का, तालिब और मतलूब का एक ख़ास अमल। पसंद की शादी के लिए बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है कि कोई ऐसा अमल मिले जिसे हम चाहते हैं, जिनसे हम उन्स रखते हैं, वो हमें मिल जाए और निकाह जैसी बरकत, अल्लाह पाक की रहमत हो और हमारी शादी हो। एक ख़ास अमल जिसका तरीका मैं आपको समझाऊंगी, ये ज़रूर करें। लफ्ज़ अल्लाह के कलाम का या वदूद या मोमिनो, या वदूद या मोमिनो, इस दो लफ्ज़ की ताकत का एक ख़ास तरीका मैं आपको आज समझाऊंगी। वक्त अमल का इशा का टाइम रखें, दिन आप जुमेरात का रखें, दुरूद पाक 11 बार, नमाज की पाबंदी रखें, क्योंकि नमाज पढ़ना ज़रूरी है। अमल की जो तादाद है वो 101 मरतबा है। 3 दिन ये अमल आपने करना है, इसकी पढ़ाई करनी है, 3 दिन मखसूस हैं, 3 दिन आपने इस अमल को करना है। अब ये जो नक्श है, इस नक्श को आपने अपनी पहले बाजू पर बांधना है। इस नक्श को आपने लिख कर अपनी बाजू पर बांध लेना है। अब नक्श जब आपने तैयार करना है, इसका ख़ास तरीका आप देख लें। नक्श के सेंटर में एक जगह में ना आपने नाम लिखना है, नाम आपने अपना नाम लिखना है, आप कौन हैं, अमल करने के लिए जो भी आपका नाम है, आपने अपना नाम यहाँ पर लिखना है। नक्श को जब आप बाजू पर बांध लें, फिर अमल आपने या वदूद या मोमिनों का पढ़ना है। ठीक है, ये अमल का तरीका है, अमल का वजीफा। आप जब पढ़ेंगे तो ये दो लफ्ज़ आप पढ़ेंगे, दुरूद पाक 11 मरतबा पहले पढ़ेंगे, या वदूद या मोमिनों को आप 101 मरतबा पढ़ेंगे, नक्श आप बाजू पर बांध लेंगे और अमल जब पूरा कर लें, नक्श पहले बाजू पर बांध लें, जिक्र कर लें दुरूद शरीफ के साथ, फिर आपने तस्वीर अगर आपके पास है तो तस्वीर पर दम करना है, तस्वीर पर दम करना है। तस्वीर पर जब आप दम करेंगे, ठीक है, तो आपने एक दुआ अपने दिल में पढ़नी है कि ऐ अल्लाह, जिसके लिए भी हम ये अमल कर रहे हैं उसको हमारे साथ जोड़ दे। अगर ये आप निकाह के लिए अमल कर रहे हैं तो निकाह की दुआ मांगें। अगर मियाँ बीवी के लिए ये अमल हो रहा है तो हस्बैंड वाइफ में, अगर बीवी कर रही है तो बीवी दुआ मांगे, शोहर कर रहा है उसका तो वो दुआ मांगे। जब अमल करना है उस वक्त आपने किसी से भी बात नहीं करनी। याद रखें, जब आप अमल करें तो किसी से भी बात ना करें, बात करने से अमल टूट जाएगा। ये अमले ख़ास है, इसका लिहाज रखें। अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत है, आप यकीन कामिल रखें और अल्लाह से दुआ करें। जब आप ये तमाम अमल कर लें, फिर आप आराम करके, जैसे कोई घर का काम वगैरह ना करें, आराम करें, आराम सो जाएं। जब आराम कर लें आप उठें, ठीक है, और आपको ये याद होना चाहिए कि आप अमल कर कर सोए थे, ठीक है, और दिल में सारा दिन याद करते रहें अपने उस प्यारे को जिससे आप शादी करना चाहते हैं, जिससे आप निकाह करना चाहते हैं, जिससे आप उन्स रखते हैं, उसको आप याद करते रहें। याद करने के बाद आप दूसरा दिन आ जाएगा तो दूसरे दिन भी सीधा तस्वीर पर आपने अमल करना है, अमल करके आपने दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल होगी और आपका प्यार आप तक पहुँच जाएगा और दोबारा कभी आपसे रूठेगा नहीं। इस नक्श की
ایک خاص طاقت جو آپ کو کبھی بھی کوئی نہیں بتائے گا۔ اس نقش کو جب آپ بازو پہ باندھیں گے نا تو اگر کسی نے بلاک کیا ہے یا ناراض ہے یا فون نہیں اٹھاتا تو فوراً آپ سے رابطہ کرے گا اور بے چین ہو جائے گا، کیونکہ اس نقش سے وہ جڑا ہوا ہے اور انشاءاللہ فوراً آپ سے رابطہ کرے گا اور آپ سے بات بھی کرے گا، اور آپ کو اگر بلاک کیا ہے تو ان بلاک کر دے گا۔ لیکن جو طریقہ آپ کو سمجھایا ہے بالکل اسی طریقے سے آپ نے عمل کرنا ہے۔ عمل کو خراب کبھی نہ کیجیے گا، عمل کی بےدبی ہوگی۔ عمل سے پہلے اجازت و استخارہ ضرور کروائیں، استخارہ فی سبیل اللہ ہے۔ کہیں آپ پر کسی نے جادو یا بندش تو نہیں لگائی جس کی وجہ سے آپ کا کوئی عمل جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے کوئی آپ کا عمل کامیاب نہیں ہوتا، یہ بندش کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، جزاک اللہ۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیو، اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرورت آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام، سٹی، کنٹری موجودہ اور مسئلہ بیان، یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخارہ بھی کروا سکتے ہیں، جزاک اللہ۔ اور اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تبھی رابطہ کریں، اگر استخارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے، یہ کوئی فن یا انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کریں اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ ضائع کریں۔ آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی، جزاک اللہ۔